नमस्कार व्यूअर्स, आपण मानक त्रिशास किचन को पुणि थे बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे गोटे इवनिंग स्नाक्स रेसीपी सेयार करेंगे अंडा चप बनवा। आपण तो बहुत प्रकार अंडा चप खाई किंतु आज मुझे भिन्न स्टाइल अंडा चप बन आपको सर्व करी। तेज चलत डेरी नक स्टार्ट करवा आज रेसीपी। तो अंडा चप बनवाई आवश्यक सामग्री मुझे नहीं जाइए। ये दुईट सीझा आलू को भल भाव मैश कर रखी। तापर ये मो अंडा को सीझे फड़ा कर रखी। ये गोटे बड़ पियाज को चुनि चुनि कर काटी रखी। अदा रसुण छेचे नहीं फाड़े लेंबू दुईट कंचा लंका को चॉप कर रखी। गोटे बाउल बेसन नहीं स्वाद अनुसार लुण रखी कि खाइबा सोडा रखी। हलदी गुंड नहीं लंका गुंड रखी फ्राई करने कि रिफाइन तेल नहीं। तो प्रथम आम आलू को टिके छुंक दे नबा बा आलू को मसला सहित भल भाव मैश कर नबा। से गोटे गरी कड़ई रे तेल गोटे चमच पकई नहीं तेल काटी रखी कंचा लंका को पकई नबा। तापर काटी रखी पियाज को पकई नबा। आकु भल भाव टिके लाइट गोल्डन कलर हेला जाए भाजबा। तो बेसी भी लाइट गोल्डन कलर करें ना। तो यहीपर रखा ये आम पिज भजाटी एवं से अदा रसुण छेचा को पकई नबा। आकु भल भाव भाजी नबा। अदा रसुण छेचाटी पकेबा द्वारा अंडा चप्र बहुत भल फ्लेवर आसी थाए। मैश कर रखी दुईट आलू को पकई नबा। तो आलूटी को आपर कंचे खाईपर कि छुंक दबा द्वारा बहुत टेस्ट लगी थाए। तापर स्वाद अनुसार लुण लंका गुंड आ हलदी गुंड किसी पकई आपको भल भाव यहीपर गोल नबा। तो अंडा चपटी बनवा बहुत इजी होता है किंतु मुझे प्रोसेस बताऊँ से स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही टेस्ट हे। तो ये आम आलूटी आम मैश हो जाए सब मसला सहित। एवं आम गैस फ्लेम को बंद कर ना आपको गोटे बाउल को काढ़ी नवा। एवं आम से फाड़े लेंबू को चिपुड़ ना जहाद्वारा कि चटपटा टेस्ट आसीज अंडा चप्र। तो ये मंजी को आम काढ़ी ना लेंबूर मंजी को एवं आपको टी भल भाव मिसई ना। तो आज जदि रेसीपी आपन को बहुत भल लगुव तो प्लीज लाइक कर दिंतु। देखा चक्कर आप लाइक करने भूल जाऊँच। तो ये आम गोटे बैटर बनवा से गोटे बाउल रखि बेसन को पकई देखिए ए लंका गुंड को पकई ना हलदी गुंड को पकई ना स्वाद अनुसार लुण पकई ना। तो आपको भल भाव मिक्स कर ना। तो अल्प अल्प पा दे यार गोटे बैटर बनवा आ हाथ में यहपरी रगड़ी रगड़ी बैटर बनइबे जहाद्वारा कि गोटे भी लम्स रहा। तो ये बैटर टी आम प्रस्तुत हो जाए। से रखि गोटे पिंच खाइबा सोडा को पकई ना। तो यहाँ मीठा सोडा होता है आपको भल भाव भी मिक्स कर ना। तो ये आम बैटर टी मिक्स हो जाए। आपको गोटे सेट कर ना एवं अंडार स्टफिंग दबा से यहीपरी गोटे सीझा अंडा को नहीं जावा आती आपंकर इच्छा अनुसार स्टफिंग देवे भरपूर स्टफिंग दबा द्वारा खाईपी बहुत ही भल लगी थाए। आदि आपण मैंने आलू को यहीपरी मसला सहित मिसई नौ तो आहरी टेस्ट लग जाए अंडा चप्टे। एवं मुझे जीक आम अंडा चप्रे रहा कथा आलूटी मुझे स्टफिंग देदेगी आपड़ चाहिए एक्सट्रा स्टफिंग प्रेस करेंगे। तो ये गोटे अंडा को मुझे स्टफिंग रे फुल कर दीचे। एवं सेम प्रोसेस रे आउ गोटे अंडा को स्टफिंग रे फुल करी आपड़ चाहिए केसर को काढ़ी आलू में चकटी पारे तापर स्टफिंग भी करेंगे। तो ये मुझे सबुतक आलू को स्टफिंग कर दीचे। एवं चलन ताको फ्राई करवा। फ्राई करने तेल गरम करी एवं से बैटर में गोटे गोटे अंडा को पकई यहीपर गोटे स्पून साहय छाणुचे। तो देखिपना के सुंदर देखा जा अंडा चपटी बहुत ही टेस्ट लगी थे खावाई इवनिंग रे तो कौन कह मजा बहुत आसी जाए था। तो ये सबुतक अंडा चप को पकई देखिए आपको भल भाव फ्राई हाँ छाड़ ना। एवं आम आरपट सैड को सब उल्टई ना देखिपना के कलर बढ़िया आसी जाए। तो मो घर तो समस्ते पसंद करतीपर अंडा चप को। तो आपण मैंने निश्चय ट्राए करूँ आपण मान घर पसंद करती कि ना मत कमेंट निश्चय जनातु। तो ये आम अंडा छणाटी हो जाए अंडा चप गुड़िकाई आम गोटे छणा साल कड़ई रू काढ़ी ना। बट ये मुझे तेल कड़ई गोटे टीस्यू पेपर उपर को काढ़ी नौचे जहाद्वारा कि एक्सट्रा तेल को सोक कर प्लेटिंग करे। तो से गोटे प्लेट नहीं जाइए प्रस्तुत कर रखि अंडा को अंडा चप को गोटे गोटे सर्व करुचे। तो देखुचना के यमी देखा जाए। तो बहुत ही टेस्टी होता है।
तो आशा करुच्छी आज रेसीपीटे आपको बहुत ही भल लगी। जदि आज रेसीपीटे भल लगी तो प्लीज मो चैनल को लाइक करेंगे, अधिक रु अधिक शेयर करेंगे, आदि सब्सक्राइब करने को भूली जाइंट तेज सब्सक्राइब करे मुझे आसपी किसी नुआ रेसीपी सहित से पर्यटन रोचे। धन्यवाद, भल खातु, भल रुंतु।